शिमला जिले के रामपुर के आसपास बौद्ध मंदिरों में महापंडित गुरु पद्म संभव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बौद्ध मंदिरों में बौद्ध समुदाय के लोगों ने पूजा पाठ में जुटे रहे। इस दौरान बौद्ध मंत्रों के जाप के साथ साथ बौद्ध अनुयायियों द्वारा दिए जलाकर शांति का पाठ भी पढ़ा गया। शिमला जिला के रामपुर आसपास के बौद्ध मंदिरों में महापंडित गुरु पद्म संभव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बौद्ध मंदिरों में बौद्ध समुदाय के लोग पूजा पाठ में जुटे रहे। इस दौरान बौद्ध मंत्रों के जाप के साथ बौद्ध अनुयायियों द्वारा दिए जला शांति का पाठ पढ़ा गया। रामपुर के बौद्ध मंदिर माने कमेटी व दूसरे बौद्ध संगठनों ने भी प्राणी कल्याण व सुख शांति के लिए पाठ किया। बौद्ध अनुयायियों ने बताया कि इस दिन को गुरु पद्म संपत के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनके दिशा निर्देश व संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाते हुए अमन चैन की कामना की जाती है। उन्होंने बताया कि रामपुर बौद्ध मंदिर किन्नौर आनी निर्मण सराहन व अन्य क्षेत्रों से गुरु पद्म संभव के जन्मदिन को मनाने आते हैं। रामपुर के ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में सर्वप्रथम पूजा अर्चना की गई। लामाओं के सानिध्य में घंटों तक बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ाया गया और मंत्रों के उच्चारण से शांति व भाईचारे का संदेश दिया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दिए जलाएंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। लामा ने बताया कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी के अनुसार फूल में ही अवतरित हुए थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयास किया। उनके द्वारा दिए गए संदेश आज मानव कल्याण के लिए सकारात्मक संदेश देते हैं। जन्म दिवस या उनके पर्व सचिव मना रहे हैं तो गुरु पद्म संभव ये भारत के पंडित हैं। तो 8वीं शताब्दी में ये भारत से तिब्बत गए, भारत में ये पैदा हुए थे पश्चिम भारत में। तो इनका माँ बाप नहीं, ये फूल पर पैदा हुए गुरु पद्म संभव। इनका गुरु भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि बाद में इस तरह होंगे, पैदा होंगे, तो ये फूल पर पैदा होकर सैकड़ों साल भारत में रहे। उसके बाद ये तिब्बत के राजा के निमंत्रण के द्वारा तिब्बत ले जाए गए। तो वहाँ पर जो धर्म स्थापना करना था बौद्ध धर्म, तो वहाँ पर जो धर्म गुरु भारत से नालंदा से ले गए थे शांति रक्षित को, वहाँ अमानुष के प्रभाव से धर्म स्थापना नहीं हो सका वहाँ। तो गुरु पद्म संभव को तिब्बत के राजा ठेसुंग देसन ने ले गए वहाँ तिब्बत में। वहाँ अमानुष सारे को दमन करके तो उनको धर्म कार्य में लगाया। वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मंदिर का निर्माण करते समय पहले दिन को आदमी मंदिर का निर्माण करते थे, रात को माने कमेटी प्रधान शीला नेगी ने बताया कि आज बौद्ध मंदिर रामपुर में पद्म संभव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ये समूचे बौद्ध अनुयायियों के लिए एक उल्लास का पर्व है। आज गुरु रिनपोचे का जन्मदिन है, आसपास से हम जितने भी लोग हैं यहाँ इकट्ठा होते हैं। लामा टीके नेगी ने बताया कि रामपुर स्थित बौद्ध पूजा पाठ का आयोजन किया गया। ये बौद्ध धर्म के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देता है।